सो वेलकम टू डे वन इन जांजिबार। और आज सुबह के 10 बज चुके हैं, हम थोड़े लेट हो गए हैं निकलने में क्योंकि हम कंफ्यूज थे आज जाएं, आज रिलैक्स करें होटल में कि आज बाहर जाएं एक्सप्लोर करने। ये पिंक फिल्मिंग दिख रही है गाड़ी की, स्पेशली डिजाइन फॉर नायरा एंड मी। तो आज हम करेंगे नाकू पेंडू, जहाँ पे सैंड बेकिंग होती है, सन बेकिंग होती है, जो भी होता है आपको दिखाते हैं। तो वो एक्चुअली दो तरफ से ओशन आता है और बीच में व्हाइट सैंड होता है, वहाँ पे कुकिंग होती है एंड ऑल। और दूसरा हमारा डेस्टिनेशन रहेगा प्रिजन आइलैंड, जहाँ पे स्लेव्स होते थे, पुराने जमाने में रखे जाते थे, और शायद टर्टल्स भी वहीं पे होंगे। टर्टल्स दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े टर्टल वहीं पे होंगे, तो टर्टल फीडिंग होगी और थोड़ा सा स्लेवरी के बारे में मतलब देखेंगे जानेंगे जो भी जितना हमको बताते हैं। तो ये पूरे दिन का टूर हमने लिया है $110 में, और 6 आवर्स पूरा दिन लगा लीजिए, हम 10 बजे हैं तो 4:30 बज जाएंगे आते आते। और वेदर अगर ठीक रहा, सो लेट्स प्रे टू ऊपर वाला कि वेदर अच्छा रहे, हम अच्छे से एक्सप्लोर करके आ सके। और शायद ये और अर्ली शुरू करने के लिए भी शायद इतना ही टाइम लगता है, लेकिन तब आप शेयर कर सकते हैं बोट। अब हम लोगों को प्राइवेट बोट लेनी पड़ी है तो उससे थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा हो गया, बट इट्स ओके। हम शायद वैसे भी प्राइवेट बोट ही लेते क्योंकि हमारे पास नायरा है, कभी भी बच्चा है तो कभी भी ऊपर नीचे मूड हो सकता है, हमको निकलना पड़ सकता है कहीं से। तो यही है, आपको बताते हैं जैसे जैसे देखते हैं आपको बताते हैं। ओके, तो ये है टाउन एरिया, जांजिबार का टाउन एरिया, और हम जा रहे हैं स्नो टाउन में। नॉर्मल टाउन है बट दूसरी तरफ, जहाँ तक हमको टैक्सी लेके जा सकती है, हम लोग उस डेस्टिनेशन में पहुँच गए हैं जहाँ तक इसके बाद हमको लेनी है बोट। सो अच्छी वाइब आ रही है, मर्क्यूरी जांजिबार, रेस्टोरेंट, अच्छा सा टाउन है। सो हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ओल्ड टाउन एक्सप्लोर करते हुए। 2 मिनट का वॉक भी नहीं था, उससे भी कम वॉक था। यहाँ से मिलेगी हमको बोट, फेरीज, सब खड़ा है, लेट्स सी हमारी कौन सी है। और फिर वी आर सेट फॉर द डे, वेदर अभी तक अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट है, लेट्स सी। तो ये है वो प्राइवेट बोट जिसकी बात हो रही थी, हम ऑलरेडी ऑन बोर्ड हैं, हमारे साथ 2 क्रू मेंबर्स हैं और 3 पैसेंजर हैं हम लोग, और ये फास्ट जाएगी और कुछ सुनेगा नहीं, तो एंजॉय करते हैं हम और आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन। टाइम लगता है प्रिजन रही होगी ये, पहुंच चुके हैं हम प्रिजन आइलैंड में, या क्या है जो भी है, हिस्ट्री ऊपर पता चलेगी अभी। सो ये रहा प्रिजन आइलैंड, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, और चल रहे हैं एक्सप्लोर करते हैं, वेदर बहुत शानदार बना हुआ है। टिकट, सो वी नीड टिकट हेयर, एंट्री टिकट। हाय मनीषा, ये मेरा छोटू है। Hi. Hi. Do you want to show us around? तो हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है बैका ने पिछली वीडियो में कि इस आइलैंड का नाम चेंगू भी है, क्वारंटीन भी है, प्रिजन भी है और टर्टल आइलैंड भी है, क्योंकि यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। 40 मिनट से 1 घंटा लगेगा इधर हमको, किसी टाइम ये लगता है प्रिजन रहा है, नॉट एनी मोर। सो
एक आगरा ने शोर मचाया हुआ है क्योंकि उसको देखने हैं टर्टल्स और पिकॉक्स हैं बहुत प्यारे मज़ेदार। एक अजीब सी है और गंध है। ओ यै थैंक यू। थैंक यू फॉर दिस। लुक एट द पीकॉक बेबू। ओके उस तरफ होटल था कभी और ये रेस्टोरेंट है। हाय। एक तो ये बच्चे आए हैं स्कूल के शायद तो अलग ही माहौल है इधर। Broken star, that one I will change this up and that one. Okay. The color here, the two colors. This one is Tochi original. And this one is Map of Island. And this one is the Ashwini. Okay. But if you go to the same hotel, you put it for quarantine station at the Chang Island. Chang'e. Local name. But this is for quarantine. Okay. Actually, when you go inside, you want to quarantine the quarantine. All right. So this one is prison. This is prison. So ये एक रूम है इधर ये प्रिजन का। ये विंडोज कह रहे हैं बाद में इंस्टॉल की हैं। वो जो ऊपर वाली है ना छोटी छोटी ये ओरिजिनल है। और ये स्टेज बना दिया क्योंकि किसी टाइम यहाँ पे बगल में एक होटल था वो बंद हो गया है अब। और ये बस अब साइट सीइंग के लिए ओपन कर दिया है। लाइब्रेरी है बार है और सीटिंग एरिया है तो अभी फन है पर किसी टाइम सो अभी तो फन दिख रहा है। ये प्रिजन आइलैंड किसी टाइम हो सकता है कह रही हूँ। सो साइट सीइंग है और ये क्वारंटीन था बेसिकली येलो फीवर के लिए क्वारंटीन हुआ है कभी और ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है। तो कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया भाई। ये प्रिजन है लेकिन इसको बार बना दिया है। किसी टाइम कितना खतरनाक टाइम लोगों ने स्पेंड किया है। आज यहाँ पे पार्टी है। वक्त की बात। ये कोई आइलैंड जैसा मतलब बीच जैसी बीच नहीं है। ये समंदर रेत का ढेर ऊपर की तरफ है। शायद मैं तो नहीं खा पाऊंगी।